नमस्कार, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के हिमालयी जिले चमोली में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। फूलों की घाटी उद्यान 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी को विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया है। वैसे तो कहते हैं कि नंदकानन के नाम से इसका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। यह माना जाता है कि यही वह जगह है जहां से हनुमान जी भगवान राम के भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाए थे, परंतु स्थानीय लोग इसे परियों और किन्नरों का निवास समझकर यहां आने से अब भी कतराते हैं। हालांकि आधुनिक समय में ब्रितानी पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में इसकी खोज की थी और तब से ही यह एक पर्यटन स्थल बन गया। रामायण काल में हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आर एल होल्सवर्थ ने लगाया था। इसकी बेइंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ 1937 में इस घाटी में वापस आए और 1968 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक किताब प्रकाशित करवाई। फूलों की घाटी में भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त व सितंबर के महीनों को सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के फूलों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं और यहाँ मिलने वाले सभी फूलों का दवाइयों में इस्तेमाल होता है और हृदय रोग, अस्थमा, शुगर, मानसिक उन्माद, किडनी, लीवर और कैंसर जैसी भयानक रोगों को ठीक करने की क्षमता वाली औषधियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ और वनस्पति पाए जाते हैं जो कि अत्यंत दुर्लभ हैं और विश्व में कहीं और नहीं पाए जाते, जो कि इस घाटी को और भी अधिक सुंदर और महत्वपूर्ण बना देते हैं। फूलों की घाटी गोविंद घाट के माध्यम से हेमकुट साहिब के रास्ते पर स्थित है। घांगरिया गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह क्षेत्र बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।